थप्पड़ मार दिया, उससे पैसे छीनने लग गया और उसको चाकू मार दिया उन लोगों ने। एक ही भाई था मेरा, वो लोग भी छीन लिए। कोई पहले से उनके साथ कोई रंजिश थी क्या? दिल्ली के बवाना क्लस्टर के अंतर्गत 17 साल के नाबालिग लड़के की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। आज शुक्रवार सुबह हत्यारों ने दिया घटना को अंजाम। आप लोगों को बता दें कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल बवाना जे कॉलोनी का रहने वाला 17 साल का सोहिल नाम का लड़का घर से बिरयानी खाने के लिए बाहर निकला था। घर से कुछ दूरी पर ही बिरयानी की दुकान के पास अज्ञात हमलावरों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और चाकू से उसकी हत्या कर दी। चाकू कई बार घोंपे गए। हमलावर कौन थे अभी तक साफ नहीं हो पाया है और हत्या की क्या वजह थी इस पर भी अभी जांच चल रही है। ये पूरा मामला अभी रहस्य बना हुआ है। फिलहाल नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या कुछ जांच में सामने आएगा ये देखने का विषय होगा। मामला कुछ नहीं है, लड़का बिरयानी खाने गया था तो वहाँ पे 10-12 लड़का आया और वहाँ पे आकर चाकू वाले मारा है, हमने सुना। जब जाके हमने उठ के आई और ऐसे करके कम से कम भी यहाँ में 20-25 मर्डर हो चुका है। यहाँ का पुलिस वाला कोई इंसाफ नहीं करता, नाबालिग बोल के छोड़ देता है। कौन लोग थे वो, क्या कोई रंजिश थी? सर रंजिश ही होगा, इतने भोर कर को चाकू लेकर के घूम रहा तो रंजिश ही है। नाम नहीं जानता हूँ मैं पुलिस वाला का। मामला ये है सर, जो ये बिरयानी की रेडी वगैरह लगा हुआ था ना, तो बच्चे की माँ बाप घर गई हुई है, तो ये होटल वगैरह जो खुला हुआ रहता है तो बच्चे की माँ बाप घर गई हुई है तो ये खाना कहाँ से खाएगा। तो सर ये 5 बजे खाना खाने गया, लेकिन कुछ ग्रुप में कुछ बंदे बैठे हुए थे जो हमारे दिल्ली पुलिस ने जो कैमरा लगा रखा है उसके निगरानी में भी आया हुआ है, सबके सब जितने भी है। और वो बच्चे जो हैं, ये हमारे सोसाइटी जो बन रही है अभी पीछे पलाटो, उसमें जो तांबा वगैरह रहता है ना सर, तो तांबा वगैरह वो खिंचवाते हैं नाबालिग बच्चों से, उसकी माँ ये गैरकानूनी काम चलवाती है। तो सर इसी कारण ना वो चाकू ले लेके घूमते हैं कि गार्ड वगैरह जो है ना सर सोसाइटी के, उनको मार सके। कुछ गार्डों का भी कंप्लेंट आया हुआ है सोसाइटी में, अभी 100 नंबर की गाड़ी भी लगवा रखा था वहाँ, लेकिन उन लोग पैदल होता है सर कब्रिस्तान होकर के और बाकी जगह होकर के वो निकल जाता है। कौन लोग हैं? गाड़ियों वगैरह में छुप जाता है नाबालिग, नहीं जा सकता वो, तो उनको हक नहीं है कि रात को वो खड़ा रहे। गाड़ी खड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, इमरजेंसी में काम नहीं, क्योंकि ये नाबालिगों का सिलसिला जो चल रहा है ना यहाँ पे। अभी क्या हालात है आपके भाई? अभी हालात ये है सर, वो मर गया, पूरा खत्म हो गया सर। मैं 1 घंटा लेट हो गया वहाँ लेके जाने में, क्योंकि मैं अकेला आदमी, मेरे पास बाइक है, उसमें मैं लेके नहीं जा पाया उनको, और मेरा कोई हेल्प भी नहीं किया। जो हेल्प करने आ भी रहा है तो लेडीज लोग मना कर दे रही है वहाँ की जो है। तो बाकी सर ये जो है ना, एक तो ये स्टैंड हटना चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं है स्टैंड का। और ये जो 5 बजे दुकान खुल जाता है ना सर, ये भी गलत है। बिरयानी खाने गया था वो दुकान पे, वो लोग वहाँ बैठा हुआ था, वो लोग भी बिरयानी खा रहा था, मेरा भाई तो लोग पैसा छीनने लग गया, उसने थप्पड़ मार दिया सिर, वो एकदम चाकू मार दिया उसने, उसका सारा मटेरियल जितना आटी बचड़ी था सब बाहर कर दिया उसका, उसको जान से मार दिया उन लोगों ने सिर्फ पैसा छीनने के वजह से। सिर्फ बिरयानी खा रहा था बैठ के, वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लग गया और थप्पड़ मार दिया, उसने पैसा छीनने लग गया और उसको चाकू मार दिया उन लोगों ने। कोई पहले से उनके साथ कोई रंजिश थी क्या? 3-4 दिन से लड़ाई।